हमें आपसे कतई उम्मीद नहीं थी। आपको पता है आप नीचे क्या कह रही थी? मंजरी माँ, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। अपने सुहाग के खिलाफ जाना सही होता है। मंजरी माँ, एक मिनट, हमारी बात तो क्या सुने कली। मंजरी माँ, हम और अच्छी तरह से जानते कि इन सबके पीछे कोई प्रेत आत्मा नहीं बल्कि कोई इंसान है, कोई शख्स है जो नहीं चाहता कि हम और युग साथ साथ रहे। और वो इंसान बहुत होशियार है, उसने धीरे धीरे पूरे प्लानिंग के साथ दादी जी को जरिया बनाकर मामले को इतना उलझा दिया। इसीलिए हमने सबके सामने ये कहा कि युग को घर छोड़कर चले जाना चाहिए, ताकि जो इंसान इन सबके पीछे है उसे लगे कि वो जीत रहा है और अपनी जीत की खुशी में वो कोई गलती कर बैठे, जिससे हमें कोई सुराग मिल जाए उस तक पहुंचने का। शुक्र है भगवान का कि आपका प्लान है कली, हम तो डर ही गए थे कि आपको क्या हो गया। हम देखते हैं। चाची जी, आप दरवाजा बंद कर दो। पता क्या, हम ना कब से तुमको एक बात बताना चाह रहे थे पर मौका ही नहीं मिल रहा था। हमको ऐसा लगता है कि सारे कांड के पीछे ना गौरी का हाथ है। चाची जी, ये आप क्या बोल रही हैं? अगर ऐसा होता तो गौरी योग को घर से जाने से रोकती नहीं। वो सब नाटक है उसका। अरे उसने खुद हमसे कहा कि अगर वो योग को घर से बाहर निकाल सकती है तो हम कौन से खेत की मूली हैं? एक मिनट, क्या आपने गौरी को कुछ कहा था? हाँ, हम चुप रहने वालों में से थोड़ी है। हमने तो सीधा उसको बोल दिया कि अपना ये घर तोड़ू कार्यक्रम ना बंद करो। गौरी की तो आदत है जुबान लड़ाने की। चाची जी, गौरी दिल की बुरी नहीं है। वो सब हमको नहीं पता, लेकिन सावधान रहने में कोई हर्ष तो नहीं है ना। केकड़े और बगुले की कहानी सुनी तुम लोगों ने? हम सुनाते। देखो, तालाब में ना पानी सूख रहा था तो केकड़े ने बगुले से बोला कि मुझे दूसरे तालाब में छोड़ दो। बगुले ने बेचारे ने उसकी मदद कर दी। तो पता केकड़े ने क्या किया? केकड़े ने बगुले की गर्दन में काट दिया और बोला, मदद करना तुम्हारी फितरत में है और काटना मेरी। समझी कि समझाएं? पुत्र, वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे। और वही हुआ, और यश इज द प्रणी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू माम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो, मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा। तुम्हें बदला ही लेना ना, तुम निकल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। नहीं, नहीं, खून, खून के बदले कौन? पर मां साहब, हम सब तो इसी घर के हैं, तो फिर हम परी और सत्तू को अलग करना क्यों चाहेंगे? हो ना हो, इन सब में इसी लड़की का हाथ है। झूठ जितना बड़ा हो, सफाई भी उतनी बड़ी हो जाती है। छाए, तुझे कोई परहेज है क्या इन दस्तानों को पहनने से? नहीं नहीं माँ साहब, हम कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ये दस्ताने सबको पहन के दिखाने होंगे। पुनंदता ही थी माँ, जिसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, तो उसका अंत भी आपको निश्चित करना है। शक्ति
जिस तरह इन पापियों का विनाश किया है आपने, उसी तरह नंदिता का भी आज ही विनाश हो जाए।